In this question, a particle is oscillating in a straight line about center O. O के अबाउट एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पर मूव कर रहा है और अगर ये पॉइंट है O, तो इसके अबाउट ये स्ट्रेट लाइन पर जब मूव कर रहा है तो फोर्स इस पार्टिकल पर डायरेक्टेड टुवर्ड्स O है किसी भी इंस्टेंट पर, और ये फोर्स F इज इक्वल टू एम एन स्क्वायर इंटू एक्स के बराबर है। अगर x इस तरफ हमने डिस्प्लेसमेंट ले रखा है, x डिस्प्लेसमेंट है O से, तो फोर्स की डायरेक्शन को देखकर हम इस पर माइनस साइन लगाएंगे। फोर्स SHM की कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है और एक्सेलरेशन यहाँ पर माइनस एन स्क्वायर एक्स और यहाँ से ओमेगा की वैल्यू n के बराबर होगी, यानी जो एंगुलर फ्रिक्वेंसी है SHM की वो n के बराबर है। इस केस में आगे बताया गया है कि एम्पलीट्यूड ऑफ SHM इज 15 सेंटीमीटर और जब यह पार्टिकल x इज इक्वल टू रूट थ्री ए बाई टू पर है, एम्पलीट्यूड a इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर एंड जब ये यहाँ पर a रूट थ्री बाई टू डिस्टेंस पर है उस समय इसको हिट किया गया। फिलहाल अगर इस पोजीशन को देखें तो हम इस पोजीशन पर पार्टिकल के फेज को बता सकते हैं कि ये 60 डिग्री होगा, फेज की वैल्यू पाई बाई थ्री, कंपेयर करें x इज इक्वल टू ए साइन थीटा जहाँ पर थीटा टोटल फेज है और फेज की वैल्यू पाई बाई थ्री आएगी। और इस पोजीशन पर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल a cos थीटा के बराबर होगा और ये वैल्यू होगी a ओमेगा a n बाई टू के बराबर। इस पोजीशन पर जब पार्टिकल इस डिस्टेंस पर है तो a रूट थ्री बाई टू डिस्टेंस पर है तो इसकी वेलोसिटी हमने पाई a n बाई टू। एट द सेम इंस्टेंट हमने इस पार्टिकल पर एक ब्लो हिट किया गया जिससे कि इसकी वेलोसिटी a n के बराबर बढ़ गई। अगर इसकी वेलोसिटी a n के बराबर बढ़ गई तो a n बाई टू प्लस a n इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 3 a n बाई टू। लेकिन वेलोसिटी बढ़ने के बाद भी इसकी फ्रिक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आएगा और फ्रिक्वेंसी वही रहते हुए एम्पलीट्यूड में चेंजेस कितने आएंगे, कितना एम्पलीट्यूड हो जाएगा नया, ये पता करना है हमें। देन हमारे पास है v इज इक्वल टू ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और चूंकि हमें पता है कि फ्रिक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आएगा, एंगुलर फ्रिक्वेंसी वही रहेगी, इसका मतलब हम इस बात को कांस्टेंट की तरह डील कर सकते हैं और इनिशियल वेलोसिटी है ए एन बाई टू इनिशियली जबकि एम्पलीट्यूड है ए स्क्वायर रूट थ्री ए बाई टू। हिट करने के बाद भी पोजीशन एक्स की वैल्यू तो अनचेंज्ड है, नई वेलोसिटी है थ्री एन 3 a n by 2 और नया एम्पलीट्यूड a डैश सपोज करते हैं रूट 3 a by 2 का होल स्क्वायर x की वैल्यू। और यहां से जब हम कंपेयर करेंगे तो a डैश स्क्वायर माइनस 3 a स्क्वायर by 4 इज इक्वल टू 9 ए स्क्वायर थ्री ए स्क्वायर बाई फोर, ए डैश स्क्वायर की वैल्यू होगी नाइन ए स्क्वायर 27 और ये जाने के बाद प्लस तो माइनस 24 ए स्क्वायर बाई फोर।
इसको ट्रांसफ़र किया उस तरफ और वैल्यू जो हमें हमारे पास आ रही है 4, 6 और ये आ जाएगा 3a² देन नया एम्पलीट्यूड हमारे पास जो आएगा वो √3a के बराबर होगा एंड दिस विल बी द आंसर। a की वैल्यू आंसर हमारा a की वैल्यू के बारे में नए एम्पलीट्यूड के बारे में पूछा गया था जहां पर k की वैल्यू पूछी गई थी। तो अगर k को कंपेयर करें तो k इज इक्वल टू a एंड a इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। वैल्यू ऑफ k विल